और आज है चैत्र नवरात्र का सभी दिवस और हमारे अंबिकापुर शहर में आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, विशाल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी मैं वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को घड़ी चौक में, और साथ में हमारी रानू दीदी भी आई हैं। हेलो, नारियल पानी पीते हुए दोस्तों, है ना। तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इंट्रो मैं अभी दे रही हूँ इसलिए क्योंकि ढोल नगाड़े डीजे बजेंगे तो इंट्रो मैं नहीं दे पाऊंगी, है ना। तो इसलिए इंट्रो मैं अभी दे रही हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को दिखाएंगे कि कई सारे आर्टिस्ट हमारे अंबिकापुर शहर में आए हैं आज का जो रैली है, शोभा यात्रा है, उसमें अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, रोड शो में परफॉर्मेंस देने के लिए। तो अभी चलते हैं शोभा यात्रा की ओर, और चैनल पर नए बने होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भीड़ काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों, और जो आर्टिस्ट हैं उड़ीसा से जो आए हैं वो आ चुके हैं। सामने गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट इसमें बैठे हुए हैं। कटप्पा जी आ रहे हैं, और राम दीदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये डीजे का वेट कर रही है, ढोल नगाड़े का वेट कर रही है, कब ढोल नगाड़े बजे तो ये खींचते हैं।
यात्रा में शामिल हो गए हैं जैसा आप देख रहे हैं। यही तक रखते हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का मात्र इकलौता ऐसा बोल सकते हैं आप लोग भव्य शोभा यात्रा हमारे अंबिकापुर शहर में निकाला गया और भीड़ की आप लोग संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लोगों की संख्या है। और हमारे चिंतामणि महाराज जी भी यहाँ पे आए थे और आप लोगों को बता दूं मैं उड़ीसा से यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आए थे और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जैसा आप देख रहे हैं। इस वीडियो को ढेर सारी शेयर करना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा जो शोभा यात्रा चैत्र नवरात्र का जो निकलता है वो हमारे अंबिकापुर शहर में मिलता है। तो मिलते हैं जल्द ही, नेक्स्ट में कुछ पूछना है कुछ जाना है तो इंस्टाग्राम मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।